मैं अपनी बातचीत वहीं से शुरू करूंगा जहां कल छोड़ी थी, गुरु महिमा पर। आखिर गुरु तत्व का इतना महत्व शास्त्रों में है, कुछ न कुछ तो उसका कारण होगा, ऐसे नहीं है। सात दीप नवखंड में गुरते बड़ा न कोई, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। कबरा हर के रूठते, गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते, प्रभु नहीं हो सा। इतनी अनंत महिमा कही गई, मैं उस पर पहले व्याख्या दूंगा, पहले शब्द बोलता हूं। गुरु की सेवा कीजिए, तज मन का अभिमान, गुरु बिन दूसर को नहीं, सदगुरु ज्ञान निदान। गुरु सेवा बिन ना छूटे भौजल का संताप, गुरु सेवा कर गुरुमुख काटे सभी पाप। सदगुरु की सेवा सफल है, इतनी बड़ी महिमा गुरु सेवा की। मैंने कल भी इस पर बात की थी, आखिर क्या चीज है। एक पूर्ण सदगुरु में, एक पूर्ण संत में पारसुरती है, वो जिन चीजों पर नजर डालते हैं उनमें भी शुद्धि हो जाती है, जो चीजें जिन पर चिंतन करते हैं। इसलिए तो इंसान कहता है ना कि भाई मुझ पर कृपा करना, मुझ पर ध्यान रखना। आप देखते हैं आपका ये ध्यान एक शरीर है, ध्यान आत्मा है। जब यही ताकत जाकर सुरती उस परम सत्ता में मिलती है तो एक अद्भुत ताकत इस सुरती में आ जाती है। यहां साहब इस शब्द की पुष्टि कर रहे हैं, कंडियार सोई सत्य। कंडियार गुरु को कहते हैं, कंडियार सोई सत्य जिन शब्द की पारख करी। शब्द की पारख करी परम पुरुष तक जो पहुंचा है, सुरत निरत समेट जिन नाम ने अक्षर धरी। यानी पूरा कंसंट्रेशन समेट कर आपके अंदर उस ताकत का को परावर्तित कर देते हैं। इसलिए जब वो शक्तियां सुरत को जगाते हैं, यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, अंधी सुरत नाम बिन जानो, नाम बिना सभ्य सोहिना, नाम बिना मूरख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए, ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बकाना। आप विचार करें, चाहे कितना भी कोटिन योग आराधे प्राणी, बिन सदगुरु जीव की हानि। खास वजह यही है, आप शिक्षा के अध्ययन से, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं, आपकी बुद्धि चेतन हो सकती है लेकिन आपकी आत्मा नहीं। अब यहां साहब एक शब्द फिर कह रहे हैं, क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया ज्ञान को, आत्मा ज्ञान जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। दरअसल उस समय आत्म तत्व के ऊपर से गुरु आवरण हटा देता है, तभी तो वाणियों में आ रहा है ना, गुरु बिन ज्ञान न उपजे कोटिन करे उपाय, मन तड़फत गुरु दर्शन को आज। और सभी संतों ने अगर गुरु की इतनी महिमा की, पूर्ण यहाँ पूरे गुरु की बड़ी बड़ी आई, नानक देव जी कह रहे। कुछ मत मतांतरों ने कुछ इधर से फुटेज इकट्ठी की, कुछ उधर से, और खिचड़ी बनाकर पंथ बनाए हैं, उनका अपना कोई बेस नहीं है। भाई जैसे हम कह रहे हैं हमारा बेस तो साहब है, तो इस तरह से उनका बेस नहीं है। उनसे पूछो भाई कहाँ से तुम चले, तुम्हारा आदि कहाँ से है, तो उनको ये भी नहीं पता है, पता नहीं है, अटकल बच्चों वाली बात है। दरअसल सदगुरु एक ताकत आप में स्थापित करता है, उससे अंतःकरण जागता है। यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं बड़ा वजन दे करके, अंधी सुरत नाम बिन जानो। अब सुरत अंधी कैसे हो गई, हीरे के अंदर चमक है, लेकिन हीरे को कीचड़ में डाल दो तो चमक रहेगी, पर कीचड़ के आवरण के कारण से चमक नहीं दिखेगी। इस तरह जीव हृदय तम मोह विषय की, इस आत्मा के ऊपर मन और माया का आवरण है, गुरु उसको हटा देता है। तभी तो कहा गुरु बिन ज्ञान न उपजे कोटिन करे उपाय,
अभी यहाँ क्या कह रहे हैं, गुरु की सेवा मुक्ति निज पावे, बहुर्ण हंसा भव जल लाए। आखिर परम पुरुष ने एक फार्मूला इस आत्मा के कल्याण के लिए जो दिया साहब को, वो कोई नॉर्मल नहीं है। यहाँ साहब कह भी रहे हैं गुप्त वस्तु हैं, सदगुरु सत्पुरुष दीना नाम विधेय मुक्ति को चीना, कह रहे हैं वो गुप्त वस्तु थी, बस वो जब आप में परावर्तित कर दी जाती है आपको वो ताकत बदल देगी, वो चेंज कर देगी, क्योंकि आपकी सुरती जाग जाएगी। जब सुरती जाग जाएगी तो अंदर के विकारों पर सुरती नियंत्रण करेगी। जितनी भी आपकी कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं कार्य कर रही हैं, मन और माया सब तो आत्मा की ताकत से कर रहे हैं। इसलिए उस समय जब आत्मा उठ जाग रही, मोरी सूरत सुहागन जाग रही, योग दान जप तीर्थ नहाना गुरु सेवा फिर निष्फल जाना, कह रहे हैं ज्ञान योग तप आदि ये सब निष्फल चले जाते। गुरु सेवा बिन कौन सो तारे, भव सागर से बाहर डारे। मैंने गुरुओं का उल्लेख भी किया है। सबसे पहली बात यह है, साहब कई जगहों पर इसका उल्लेख किया, एक जीव को भक्ति दृढ़ाए सो तो कोट गौ फल पावे। जिस माध्यम से आप यहां पहुंचे वो भी एक माध्यम साहब बनाता है, उस माध्यम द्वारा आप आए, जरूर एक माध्यम बनता है। यहां साहब उल्लेख कर रहे हैं एक जीव को भक्ति दृढ़ाए कोटि सो तो कोटि गौ फल पावे, करोड़ों गायों को कसाई से छुड़ाने पर जो पुण्य प्राप्त होता है उससे कहीं ज्यादा एक आत्मा को परम सत्ता में जोड़ने से पुण्य मिलता है। गुरु सेवा बिन जड़ क्या करिए, काकी नाव बैठ कर तरिए। मैंने कल भी उदाहरण दिया था कि जो ये मिशन चला इसमें मेरे बहुत से मुख्य गुरुमुख सत्संगियों का बहुत बड़ा योग है, तभी तो आगे बढ़े ना। इसलिए एक माध्यम गुरु सेवा बन घट अंधियारा कैसे प्रकट ज्ञान उजियारा। मैंने कल भी कहा था, मैंने काफी मोबाइल सेव किए हुए काफी नंबर, स्वार्थ से नहीं, पर जो जो सेवादार हैं उनको एक विशिष्टता दी गई है। काल तो बहुत आते हैं मेरे पास, कभी कभी क्या होता है मैं बताऊं, जब भी जिनका नंबर मेरे पास फीड है, जैसे काल आ जाता है मैं उसको फौरन उठाता हूँ। अगर अननोन नंबर है तो भी उठाता हूँ, लेकिन कब अगर फुर्सत है तो उठाता हूँ, नहीं तो नहीं उठाता हूँ। यानी प्रिफ्रेंस मिल जाता है सेवादार सेवकों। गुरु सेवा बिन सदा जो ध्यावे, कितनी भी योग साधना करे गुरु बिन साश राह नहीं पाए। जैसे माँ बच्चे को उंगली पकड़वा कर चलाती है पर कदम तो बच्चे नहीं रखने हैं ना, इस तरह गुरु है यहाँ सतगुरु बिना कोई मोक्ष का दाता नहीं। साहब ने गुरु की महिमा अनंत कही, किसी ने ऐसा कहा नहीं। अगर आप देखें तो धर्मशास्त्रों में गुरु का महात्म गौण है, महात्म तो है गौण है, पर साहब ने सर्वे सर्वा गुरु को कह दिया। कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो होए। गुरु सेवा बिन धुंध अंधेरा, गुरु सेवा बिन काल को चेहरा। आप देखें अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात आप खुद देखें ना। नाम की प्राप्ति के बाद आप में अद्भुत परिवर्तन है, आप वही हैं, आपकी बॉडी वही है, आपका मन वही है। लेकिन पहले क्या था, जो जो मन कहता जा रहा था आप आंख मूंद कर किए जा रहे थे, अब ऐसा नहीं है। अब आपके अंदर ज्ञान आ गया, उचित क्या है अनुचित क्या है, आप मन के कहने पर नहीं चल रहे। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, मन लोभी, मन लोभी मन लालची, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन और।
अब मन नियंत्रण में है। नियंत्रण में क्यों हो गया? अब रोशनी में आया। पहले अंधेरे में बैठकर जो बात उठाता था आप सोचते थे ये मेरी इच्छा है, आप ध्यान में बैठते थे वो कई कल्पनाएं लाता था ताकि आप नहीं ध्यान में बैठ पाए, आप सोचते थे ये मेरी इच्छा थी, आपकी इच्छा नहीं थी। आप संकल्प करते स्मरण करूं ये बाधा डालता है। यहीं पर तो साहब ने बड़ा सटीक शब्द कहा, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला, जस नट मरकट को दुख दे, नाना नाश नचावन दे। इस तरह पूरी दुनिया अब आपको ऐसे लगती होगी ये दुनिया पागल है, मन मुरीद संसार है, गुरु मुरीद कोई एक, गुरु सेवा बिन ना छुटे भौजल को संताप, गुरु सेवा कर गुरु मुख काटे सभी पाप। अब सेवा का फिर महात्म आया, बार बार गुरु सेवा का महात्म है, सदगुरु की सेवा सफल है। नानक देव जी वाणी में फरमा रहे, होता क्या है जैसे जो सेवक है तब गुरु का कंसंट्रेशन अनचाहे उसकी तरफ पहुंच जाता है, गुरु का ध्यान उसकी तरफ पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ एक मिस्त्री आता है, हम बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, रतन नाम है उनका, वो अपने साथ में कुछ मिस्त्रियों को भी लाता है। तो जब भी मुझे आवश्यकता पड़ती है, इतवार को आता है तो जैसे मैं देखता हूँ अभी दरवाजे नहीं बने, उसका ध्यान आ जाता है, बिना चाहे ही मेरा ध्यान उसकी तरफ जाता है। तो कहने का मतलब है जो भाव सेवा करने वाला व्यक्ति उस पर ध्यान जाता ही जाता है। गुरु सेवा कर गुरुमुख काटे सभी पाप, हाँ गुरु सेवा से समस्त पाप, हृदय प्रकाशित होता है। और नाम जो रति एक को पाप जो कोटि हजार, सभय जार कर छार करे जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास, वो सभी पापों की क्षय होने लगती है। गुरुमुख होए परम पद पावे, परम पद की प्यार, गुरुमुख लाहा ले गए, वाह नानक देव जी क्या कह रहे हैं, गुरुमुख लाहा ले गए मनमुख चले मूल गवाए, गुरु की नाव चढ़े जो प्राणी खे उतारे सदगुरु ज्ञानी। यहां साहब एक शब्द और कह रहे, गुरु समृत जय सरखड़ी, कमी कात है दास रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। आपको हमेशा लगेगा तब, यही तो सिद्धांत पूरी दुनिया में है, जो जिसका ध्यान करेगा वो वहीं पहुंचेगा ही पहुंचेगा। जाकी सूरत लाग रह जाए मां, कहे कबीर पहुंचाऊं तय मां, गुरु के चरण सदा चित लाना, अपना ध्यान उनकी तरफ रखना, क्यों भूले तू चतुर सजाना, गुरु भक्ता गुरु महत आत्म सोई, वाही के मन रहो समोई, गुरुमुख ज्ञान ते चेते सोई, भाव में जन्म बहुर न हुई। गुरुमुख प्राणी सदा जिए, अमर होए ज्ञान रसपी, अब कह रहे हमेशा जीता है, क्योंकि जब उस लोक में पहुंचता है परम लोक में तो वहां जन्म मरण नहीं है। देखिए साहेब की वाणी में कितना तत्व है, कितना सार है, वहां जन्म मरण नहीं है तो हमेशा जीता है, कोई भी बात तो उनकी फालतू है नहीं, तुकबंदी है नहीं है। वाह, एक कवि ने कबीर साहब के लिए बड़ी प्यारी बात कही, उनको कहीं पर भी शब्दों को ढूंढना नहीं पड़ता, शब्द तो दौड़कर उनके पास खुद आते हैं। गौरी शंकर और गणेशा उन्होंने लीनी गुरु उपदेशा, गुरुमुख सदा अटल अविनाशी, सुर नर मन सब ध्यान है धरासी, गुरुमुख सब भक्त और दासा, गुरुमुख महिमा उन्हीं से प्रकाशा, गुरुमुख को सब ही मिले चार पदार्थ सार, निगरा तो कुछ नहीं बह सुनर की धार। मेरे पास कुछ लोग आते हैं अपना संकट लेकर, झूठ भी बोलते हैं कुछ लोग, मैं चुपके से पूछता हूँ भाई गुरु से झूठ नहीं बोलो, सियाणे चेलों के चक्कर में भी गए, बोला हाँ गए। मैंने कहा
क्यों गए? बच्चा कुंद बुद्धि का है, कारण होते हैं इसके। बोला जी रिश्तेदारों ने कहा, मैंने बोला तुम्हारे रिश्तेदार तो गुरु हुए, तुमने मुझसे ज़्यादा रिश्तेदारों को तहरीज दी। मैंने तो ये कहा था भैया नामदान की प्राप्ति के बाद तुम्हारे पास ये चीज़ें नहीं आएगी, लेकिन फिजिकल कोई प्रॉब्लम आ गई तो श्रद्धा रखना, औषध के लिए वर्जित नहीं किया। तू तो फिर मौसी और बुआ के कहने पर गया, तो वो तेरी गुरु तो मौसी और बुआ हुई, तूने तो गुरु को छोड़कर उनको ऊपर रखा। पैर मत रख तू दो कश्तियों में, डूब जाएगा तू देख वरना। ये वर्जित क्यों किया? वो तुम्हें काल की भक्ति की तरफ खींच के ले जाएंगे। यहां साहब का शब्द बड़ा सटीक है, गुरु मग, मग कहते हैं रास्ते को, दृढ़ पग, पग कहते हैं चरण पांव को, राखिए, डिगमिग डिगमिग छाड़। ये डिगमिग डिगमिग क्या है? कभी गुरु जी को हाँ ठीक है, कभी कहे उसने कहा, वो भी फार्मूले अपना है, तो काम नहीं बनेगा। जब तलक है भेद दिल में, जब तलक है भेद दिल में, कुछ नहीं बन पाएगा। रंग लाती है ये भक्ति भेद मिट जाने के बाद। गुरु गुरु जाप करो सब सारे, दुर्मत कपट दूर कर डारे। गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, अनंत विघ्न विनाशित होते। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु गुरु जाप करो मन धीरा, गुरु के नाम मिटे सब पीड़ा। गुरु गुरु मंत्र हृदय धरीजे, तन मन धन सब अर्पण कीजिए। गुरु का स्मरण निस्दिन कीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। हाँ एक नाम गुरु देत दिखाए लखाई, सोच निज नाम कल्प नहीं जाई। नाम ध्यान बल हंसा कर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। गुरु स्मरण निज नाम उचारे, आप तरे औरन को तारे। कह रहे हैं निज नाम, सच्चा नाम, अकह नाम, कई वाक्यों से उसको संबोधित किया गया है, कहा नहीं जा सकता। एक एलिमेंट आप में गुरु रोपित करता है, कह रहे हैं वो तुम तो तरोगे दूसरों को भी। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, एक एक हजार आदमी को एक एक आदमी ने नाम दिलाया। कुछ माता बहनें इतनी बोल्ड हैं, उन्होंने दो दो तीन तीन सौ आदमियों को नाम दिलाया। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, पहले मैं माता बहनों को नाम नहीं देता था, स्त्री को दीक्षा नहीं देता था। मैं 1970 से लेकर 1977 तक 7 साल में एक भी नारी को नाम नहीं दिया। गुरुदेव ने तब मुझे एक बात कही, देखो मधु ठीक है, मैं अभी तुझे जोर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन भैया इनके बिना तुम्हारा काम नहीं चल पाएगा। ये बहुत सेवा भी करती हैं और बहुतों को जोड़ेगी भी। इनके दो घर हैं, एक तो जहाँ उन्होंने जन्म लिया वहाँ भी उनका वर्चस्व है, इसलिए वहाँ से वो भाइयों को, भाभी को, माता को, पिता को, माया और भाइयों की ससुराल मैके से जो लड़कियां हैं उनको, उनके बच्चों को नाम दिलाएगी। दूसरा जहां ब्याह हुआ है वहां भी उसका आधिपत्य है, इसलिए वहां सास को, ससुर को, मामा ससुर को, सौरे ससुर को, अपने बच्चों को, देवर को, जिठानी को, ननंद को, सबको खींच लाएगी। बंदे का तो एक ही घर है, इसलिए इनके बिना काम नहीं चलेगा। बड़ी अच्छी बात है।